सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? से उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान इन यूएई 2023 के सेकंड T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 26 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, रात के 9:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी शारजहाँ क्रिकेट स्टेडियम, शारजहाँ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम अफगानिस्तान की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का भी लगभग इक्वल ही चल रहा है। 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर लगभग दोनों इक्वल परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे अफगानिस्तान 1 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पाकिस्तान 3 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे 2 मैच से पाकिस्तान आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे अफगानिस्तान का 40% देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान का 50% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो जहां अफगानिस्तान का 136 है, तो वहीं पाकिस्तान का 140 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो अफगानिस्तान का 166, वहीं पाकिस्तान का 185 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो अफगानिस्तान का 98 है, तो वहीं पाकिस्तान का 92 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपेरिजन में पाकिस्तान की थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी? तो पूरी तरह मौसम साफ रहने वाली है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 22.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 56% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? तो इस पिच का फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में मे बी लो स्कोर होगा, बट फर्स्ट इनिंग में 150-155 के रन में भी जा सकती है। वहीं अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में थोड़ी सी रन यहाँ पे कम सकती है, क्योंकि सेकंड इनिंग में 124-130 में भी रन लग सकती है इस पिच पे। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे अगर जो भी टीम टॉस जीत के बैटिंग करती है, तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। वहीं अगर बात करें, अगर अपोजिट टीम अगर स्ट्रांग रहती है तो मैच भी चेस कर सकती है इस पिच पे। क्योंकि पिछला मैच के अकॉर्डिंग बात करें तो जहाँ पे पाकिस्तान द्वारा बैटिंग किया जा रहा था, तो वहीं अफगानिस्तान बॉलिंग कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा मैच हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ, जो डायरेक्ट क्लीन बोल्ड करके अफगानिस्तान मैच जीत के आ रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो टोटल अभी तक 26 मैच खेले हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। तो यह सेकेंड T20 खेला जाएगा दोनों के बीच में, तो ये भी मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम अफगानिस्तान की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछला मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की देखने को मिला। उम्मीद नहीं था कि अफगानिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, बट देखने को मिला। उम्मीद है कि सेकंड T20 मैच में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकती है अफगानिस्तान के द्वारा। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी टीम अगर पाकिस्तान की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी अच्छी है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है, बट पाकिस्तान के लिए बैड लक है, पिछला मैच अपना बुरी तरह पीट के आ रही है। तो इस बार पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगी सेकेंड T20 मैच जीतने के लिए। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम अफगानिस्तान के की प्लेयर की बात करें तो रमनुल्ला गुरबाज, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान। वहीं दूसरी टीम पाकिस्तान के की प्लेयर की बात करें तो तैयब ताहिर, सैम अयूब, सदाम खान, नसीम शाह। ये रहे दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो गाइज, हमने अभी पूरी चीज़ डिस्कस कर ली, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब फाइनली चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को
मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।